सरकार की नहीं है, ये पर्सनल दिव्यांग सेवा संस्थान पाली के द्वारा दी जा रही है। एक बार जोरदार तालियां। सबसे पहले तो हम जोरदार जयकारा लगाएंगे, बोलिए भारत माता की। इस महासभा के अंतिम पायदान बैठे हुए मेरे देवतुल्य दिव्यांग भाई से मेरा निवेदन रहेगा कि भले आप पीछे बैठे हो लेकिन आप हमारे हृदय में विराजमान हो। तो जहां पर तक मेरी आवाज आ रही है, दोनों हाथ मुट्ठी बंद करके इस बात का संकल्प लेना है कि इस राजस्थान की धरती पर, इस सूर्य नगरी की पावन पवित्र भूमि से इस हमारे देवतुल्य दिव्यांग भाइयों ने कहीं ना कहीं आत्मरक्षा के लिए, अपने हक और अधिकारों के लिए मुट्ठी बंद करके संकल्प लेने का आज इस पावन धरती पर इतिहास लिखा जा रहा है। तो जो पीछे खड़ा है दोनों हाथ ऊपर करके हमें जयघोष करना है, इस सोई हुई कौम को, इस सोई हुई सरकार को जगाना है। बोले भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे धन्यवाद। राजस्थान के कोने कोने से, जिसके अंदर भगवान श्री कृष्ण का निवास है, जिनको देवताओं के समकक्ष बताया है, ऐसे हमारे देव रूपी दिव्यांग भाइयों के चिरी चरणों में मैं झालाराम देवासी इस मंच की ओर से दंडवत प्रणाम नमन करता हूं। और मुझे लेख दिख रहा है भारी संख्या में हमारे दिव्यांग भाई बड़ी उम्मीद लेके आए हैं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि यहां पर बैठे हुए एक एक दिव्यांग भाई, आपको पसीना हो रहा है, आपके पसीने की एक एक बूंद हमारे हृदय को चूम रही है। मैं विश्वास दिलाता हूं कि आपका पसीना व्यर्थ नहीं जाने देंगे। जिस आशा उपेक्षा के साथ आप लोग इस सूर्य नगरी पधारे हो, प्रत्येक आदमी की आशा अपेक्षा पे ये बैठे हुए अग्रिम लोग खड़े उतरने का प्रयास करेंगे। मित्रों, व्यवस्था आपके अनुकूल सारी हमने करने का प्रयास किया। हमारे भाई उकमाराम जी भाटी, जो मेरे बड़े भाई है, रात को 3 बजे आके सोए हैं, क्योंकि आपको पता है कि जो संगठित समाज होती है उसके सामने सत्ता भी नतमस्तक होती है, लेकिन ये शारीरिक रूप से कमजोर समाज को दबाने का, कुचलने का काम प्रशासन भी करता है। मित्रों, ये धूप में आप बैठे हो, हमने प्रशासन से निवेदन किया कि हमारे दिव्यांग भाई इस देव नगरी में आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर टेंट की व्यवस्था हमने लगाने नहीं दी, लेकिन फिर भी आप लोग धूप में बैठे हो, मजबूती के साथ बैठे हो, दिव्यांग एकता का परिचय दे रहे हो। इस सरकार को ये जो पसीना बह रहा है, इस पसीने की एक बूंद नीति सरकार को आने वाले समय में जवाब देगी। मित्रों, समय की कुछ मर्यादा है, या हम लोग एकत्रित हुआ है तो सिर्फ यह हंगामा खड़ा करना हमारा मकसद नहीं है। मित्रों, कहते हैं ना कि पीड़ होगी प्रवासी, अभी पिघलनी चाहिए हिमालय से एक नई गंगा निकलनी चाहिए। अरे मेरे सीने में नहीं तो सही, लेकिन मेरे इन दिव्यांग भाइयों के दिलों में बदलाव की आग लगनी चाहिए, लगनी चाहिए। तो बहुत बड़ा बदलाव हो रहा है। मित्रों, दिव्यांग कोई भीख मांगने के लिए इस गहलोत साहब के राज में नहीं आया। देश की आजादी के बाद जो भी सरकारें आई, हमेशा दिव्यांगों का कहीं ना कहीं शोषण ही किया है। पहले आयोग के पद कहीं ना कहीं पैसों से बिकते थे। देने वाले हमारे इस फ्रंट लाइन को, जिन्होंने वो बेचने वाले पदों पर नकेल कसी और दिव्यांगों को हक और अधिकार देने के लिए मजबूर किया। जोरदार तालियों से स्वागत। मित्रों, सबसे पहली हमारी, वैसे तो भाटी जी आपको बताएंगे, लेकिन हमारी पहली मांग यही है कि ये जो दिव्यांगों के हाथ है, ये भीख मांगने के लिए नहीं है, ये रोजगार के लिए है। प्रदेश का दिव्यांग रोजगार मांग रहा है। गहलोत साहब
और हमारी आवाज आप तक पहुंच रही है। इन दिव्यांगों को रोजगार चाहिए, इसके लिए आप सीधी भर्तियां निकाले, जहां पर सिर्फ और सिर्फ दिव्यांगों के लिए भर्तियां निकले। क्या मेरी बात से सहमत है? तो दोनों हाथ खड़ा करके समर्थन दीजिए। गलो साहब, ये हाथ सौ हजारों की संख्या में खड़े हुए हैं। कैमरा मैन घुमाइए इन हाथों की तरफ कैमरा, और बताइए सोई हुई सरकार को, ये हाथ भीख मांगने के लिए नहीं है, इन हाथों को रोजगार चाहिए, रोजगार 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 चाहिए। इसलिए सरकार रोजगार की व्यवस्था सुनिश्चित करे, यह आज के सभा की मुख्य प्रथम मांगे है, ताकि हम स्वाभिमान के साथ अपना परिवार अपने भाइयों का निर्वाह कर सके। मित्रों, दूसरी जो मांगे है वो ये है कि मित्रों, दिव्यांग अब जयपुर तक नहीं पहुंच पाता है, यहाँ कैसे आया है आपकी पीड़ा में महसूस कर सकता हूं। एक दिव्यांग की पीड़ा कहते हैं कि घायल की गति घायल ही जाने, मैं आपके दर्द को महसूस कर रहा हूं। इन भाई जो धूप में बैठे हैं, मैं उस पीड़ा को महसूस कर रहा हूं, लेकिन हम मजबूर हैं, आपकी एक एक पसीने की बूंद का हिसाब हम 100% देंगे। मित्रों, हमारी पहली दूसरी मांगे, वैसे भाटी जी बताएंगे, प्रत्येक जिला मुख्यालय पर दिव्यांग कल्याण बोर्ड बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? पीछे आवाज आ रही है, बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? सोई सरकार से आग्रह है, ये सरकार से निवेदन कर रहा है कि दिव्यांग कल्याण बोर्ड जिला स्तरीय बने और उसमें तमाम सारी नियुक्तियां दिव्यांगों को ही दी जाए। दूसरी जो हमारी मांगे है वो आरक्षण है। आरक्षण 21 प्रकार के दिव्यांग हैं, लेकिन 4% है। अरे गहलोत साहब, दो पैरों वालों को तो नौकरी प्राइवेट सेक्टर में भी मिल जाती है, ये मेरे दिव्यांग भाई बहन कहां जाए? प्राइवेट सेक्टर में कहते हैं कि भैया इसी तनख्वाह में हमें तो मल्टीपल पर्पज काम करने वाला मिल जाता है। अरे प्राइवेट कंपनियों वाले नौकरी देते नहीं है, सरकार सुनती नहीं है, ये हमारे भाई किसके सामने जाके अपनी पीड़ा रखे? इसलिए सत्ता में बैठे हुए लोग जगे और इन भाइयों की पुकार को सुने। आरक्षण भले राजनीति में हो या हमारी राज्य की सेना में हो, आरक्षण दिया जाए, क्योंकि भाई विधानसभा में कोई विकलांग नहीं है, और मोहरी आवाज उठा वाला विधानसभा में कोई नहीं है। सरकार दूसरी समाजों की तर्ज पे दिव्यांगों को भी राजनीति में आरक्षण दे, ताकि इन भाइयों की आवाज विधानसभा से तो उठा सके। मित्रों, मैं अंतिम बात कहूंगा कि पेंशन वाली जो बात है, 750 रुपए था, फिर 1000 किया, और न तो हाड़ी हाथ से आवेरिया है, न वो 1000 भी आवेरी है। अरे हमें बन की दे रे पेंशन आप दे भाई बन हुई रे। तो मैं आपके मार्फत इस सरकार को कहना चाहूंगा कि भाई ये दिव्यांग इस महंगे से जूझ रहे, इन दिव्यांगों की पेंशन 5000 रुपए की जाए। कितनी की जाए? कितनी की जाए? कितनी की जाए? जलो साहब, आपके घर में आकर कह रहे हैं, आपके घर के दरवाजे पे कह रहे हैं कि आप तो जननायक हो, आप तो कहते दिव्यांगों के मसीहा हो, ये प्रदेश का दिव्यांग आपके घर आकर कह रहा है कि हमारी पेंशन। बहुत बहुत धन्यवाद। मित्रों, इस प्रकार की अनेकों बातें हैं, लेकिन समय सबके लिए समान है। कहते हैं दिव्यांगों का एक एक क्षण और रोटी का कण व्यर्थ नहीं जाना चाहिए, इसलिए समय में बंधा हुआ हूं। एक छोटा सा मेरा निवेदन रहेगा तमाम मनसासीन अतिथियों से, इस सरकार के सामने पिछले कई वर्षों से एक हमारे पाली जिले का दिव्यांग, जो पूरा दंपति परिवार दोनों दिव्यांग है, जो रोजगार के लिए स्कूटी मांग रहे थे, लेकिन न एमपी ने सुना न एमएलए ने सुना, फिर मेरे पास आए, मैंने कहा भाई कोई सुने न सुने, लेकिन ये दिव्यांग आपके साथ खड़ा है। तो उस दिव्यांग भावाराम से मैं निवेदन करूंगा कि
आप मंच पर पधारे और आपको दिव्यांग सेवा संस्थान की तरफ से एक थ्री व्हीलर स्कूटी आज दी जाती है। बोलिए शंकर भगवान की। तो मैं हमारे सम्मानित आदरणीय एकमात्र लोकतंत्र का सोता स्तंभ जैन साहब से आग्रह करूंगा कि आप पधारे और दिव्यांग को साबित देकर इनका मनोबल बढ़ाए। दिव्यांग का सम्मानित भाटी साहब आज के इस प्रोग्राम के कर्णधार आदरणीय भाटी साहब से आग्रह है कि आप भी पधारे और इस दिव्यांग को आपके कर कमलों द्वारा इस दिव्यांग को एक स्कूटी देकर इसका मनोबल बढ़ाए कि सरकार साथ दे या न दे लेकिन आपकी समाज आपके साथ खड़ी है, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। भावाराम देवासी पधारे और भाटी जी और सम्मानीय हमारे नागौर सरकार से आग्रह रहेगा। हाँ भाटी साहब 2 मिनट में आ रहे, तब तक मैं एक निवेदन करूंगा। आपकी सेवार्थ के लिए पाली जिला मुख्यालय पर एक संस्था चलाता हूँ मैं, तो आपके चिरचिन्हों का सेवक हूँ। 4 करोड़ की लागत से हमने इस प्रदेश में एक ऐतिहासिक मानव सेवा मंदिर बनाया है, जो दिव्यांग भाई जो कहीं न कहीं वंचित है, शोषित है, मंदबुद्धि है, रोजगार मुखी नहीं है, ऐसे दिव्यांग जो घरों से बेघर हो जाते हैं, ऐसे दिव्यांगों के लिए एक घर बनाया है। आप पाली पर वो घर आपका है और आपकी सेवा में वो समर्पित है। मित्रों एक नंबर मैं दे रहा हूं जो मिस कॉल नंबर है, आप हमारे से जुड़िए और आपकी समस्या बताइए। हम 100% तो गारंटी नहीं लेते लेकिन हमारा प्रयास रहेगा कि आपके दुखड़ों को दूर करने का हम कोशिश करेंगे। तो एक नंबर डायल करें और मिस कॉल देकर आप हमारे से सीधे जुड़ सकते हैं। आप नंबर डायल करिए, जिसके पास मोबाइल है वो नंबर डायल करें 7097199168। ये मिस कॉल दीजिए, हम आपसे जुड़ जाएंगे और आपकी समस्याओं से निश्चित ही प्रयास करेंगे सॉर्ट आउट करने का। एक बार पुनः बोलता हूं 7097199168। मिस कॉल दीजिए, हम आपके दरवाजे पर आएंगे, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। मित्रों कहते हैं ना, क्या होते हैं हौसले मिलते रास्ते, ये दुनिया नहीं दोस्तों कुछ दिलों के वास्ते, अरे कुछ किए बगैर जयकार न होती और कोशिश करने वालों की सम्मानीय भाटी जी हार नहीं होती। बोलिए दिव्यांग समाज की, बोलिए भारत माता की, बोलिए सूर्य नगरी की, बोलिए हुक्माराम जी भाटी की। बहुत बहुत धन्यवाद तमाम सारे अतिथियों का, तमाम अतिथियों का खूब खूब धन्यवाद है। समय के अभाव में मैं आपका व्यक्तिगत नाम नहीं ले सकूंगा लेकिन आपके चरणों में मैं वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और हमारी मातृशक्ति हमारी बहनें जो पधारी है धूप में बैठी है, इन बहनों के चरणों में भी मेरा वंदन है। फिर कहता हूँ आपके एक एक पसीने की बूंद व्यर्थ नहीं जाने देंगे, आपके एक एक पसीने की बूंद व्यर्थ नहीं जाने देंगे, नहीं जाने देंगे। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद देवासी जी। आपका ये ओजस्वी भाषण निश्चित रूप से प्रदेश भर से आए हुए दिव्यांगजनों में ऊर्जा का काम करेगा। आपके माध्यम से एक दिव्यांग भाई को आज स्कूटी प्रदान की जा रही है।